सरकार ने तो सब कुछ किया, अब उसे ये तो नहीं पता था कि मजदूर के पास पैसे हैं या नहीं है। उनको तो चोरी छुपके से जो भी काम करते हैं चोरी छुपके से कर देते हैं। जनता को तो नहीं पूछा है कि इनके पास पैसे हैं या नहीं है। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, कमरा वाला कमरे में नहीं रहने दे रहा, जेब में पैसा नहीं बचा। अब किसी गाड़ी पे भी बैठेंगे तो वो भी तो किराया मांगेगा ना। सुबह 7 बजे रोहित अपनी 3 साल की बेटी किट्टू को कंधे पे लेके अपने परिवार के साथ गुरुग्राम की सड़कों पे निकल चुके हैं। कुछ घंटे चलने के बावजूद अब भी 626 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। सड़कों पे प्रवासी कामगार की हजारों की तादाद देखते हुए गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किया था कि कोई भी मकान मालिक गरीब वर्ग या मजदूरों से 1 महीने का किराया नहीं वसूल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ऑर्डर था कि मालिकों ने पूरे महीने का वेतन देना है। गुड़गांव में कब से हो, क्या क्या बनाया आपने? जी मकान बनाते रहे, आज लोग बागों का काम करते रहते रहे। हम लोगों तो मजदूरी है तो दिहाड़ी है, नहीं है तो बस साले पड़े रहो। बस कोई एक दाना भी नहीं देने आए, ना कुछ खिलाने को आए, ना बच्चों को देने आए। किराए वाले अलग से कहते किराए दो, मालिक ठेकेदार पैसे भी नहीं देते हैं। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने हमारे शहर बनाए हैं, हमारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, घर बनाए हैं, दफ्तर बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, लेकिन अब उनको यही शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिल रही उनको। उनका कहना है कि मकान मालिक कहता है कि या तो पूरा किराया दो, क्योंकि मकान मालिक के पास ये पैसा नहीं है और इनको लगता है इससे बेटर यही है कि अपने अपने घर चले जाएं। यही है हकीकत। गरीबों को तो हम तो पैदल चल रहे हैं और जो लोग मतलब पैसे वाले हैं वो तो हेलीकॉप्टर से आए। हमारे मालिक ही मदद नहीं कर रहे हैं। वोट मांगे तो आ जाते हैं, अब हम लोग पैदल चल रहे हैं, कौन देख रहा है? अब तो कोई नहीं देख रहा, अपनी फोटो में देख रहे हो, न्यूज पे देख रहे हो, अब क्या देख रहे हो? ये हम लोग पैदल जाओगे वोट मांगने तो आओगे घर पे ही मेरे। गुरुग्राम में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।